हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, हुंडई i10 नियोस 1.2 लीटर स्पोर्ट्स वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन, आज जो है इसका पूरा टेस्ट ड्राइव करेंगे। इसका फुल बैकग्राउंड रिव्यू आपको मैंने दिया है, आप जाके देख सकते हो। आज जो इसकी जो है इसका ड्राइविंग रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा है, आप वीडियो को एंड तक देखना। और एक एंट्री लेवल के लिए बहुत ही शानदार गाड़ी है, तो चलिए चलते हैं वो गाड़ी के अंदर और ड्राइविंग करते हैं। दोस्तों, गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं अब हम और सीट बेल्ट लगाया। सबसे ज़रूरी काम देखिए, एसी बहुत कूलिंग कर रहा है यार। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हो। स्टेयरिंग बहुत शानदार लाइट है, स्टाया रिवर्स कैमरा एक बार देख लो, रिवर्स कैमरे का आउटपुट लाइनिंग वगैरह इसके अंदर दी हुई है। सबसे पहले फर्स्ट, हाँ अरे वाह यार क्या गजब, मतलब इसके अंदर जो है ना बंद नहीं होगी बार बार गाड़ी, क्लच कार इसका जो गैप है ना बड़ा सही है। पिकअप बढ़िया, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 83 bhp पावर, 1014 nm का टॉर्क, बट वास्तव में रिफाइंड इंजन है काफ़ी। पिकअप वगैरह बड़ा शानदार है। अगर आप नॉर्मल बिना रेस दिए भी गाड़ी चलाओगे ना, तो आपको नॉर्मल जो है वो होता ना इनिशियल फेज वो चल जाएगा आराम से। और विजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहले ORBM जो है, IRBM ORBM बड़े बड़े हैं, काफ़ी पूरा विजिबल होता है। और IRBM भी काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा खासा विजिबल होता है आराम से। आगे बोनेट दिखता नहीं है, ट्रैफिक के अंदर वैसे भी बोनेट की जरूरत आपको देखने को नहीं मिलती। स्टेयरिंग का रिस्पांस काफ़ी शानदार भाई साहब, मेरे पास पुराने वाली हुंडई है, i10 है सॉरी, और उससे इसका जो है बेटर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। ट्रैफिक वगैरह में आराम से चला सकते हो, कोई ज़्यादा वो परेशानी होने वाली है नहीं इसकी। देखिए टर्निंग रेडियस भी बड़ा शानदार है यार इसका, आराम से जो है टर्न वगैरह हो जाती है। और पिकअप वगैरह मैंने आपको बता दी, काफ़ी अच्छी इसकी जो है पिकअप वगैरह आपको देखने को मिलती है। ब्रेकिंग वगैरह हमने काफ़ी देर होगी ट्राई करते हुए, तो ब्रेकिंग वगैरह सही है इसकी, कोई वैसे है नहीं। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ABS CVD वगैरह सब जो चीज़ें वो आती है ही। सस्पेंशन ठीक है, थोड़े हार्ड स्टिफ से लग रहे हैं मुझे, और कम्फर्ट अल्टीमेट वाला बड़ा शानदार है। इसके अंदर जो है सीटें ऐसे रिक्लाइन हुई हुई है, उससे कंफर्ट बड़ा शानदार है। रिक्लाइन हुई है सीटें आगे और पीछे की, तो कंफर्ट बड़ा शानदार है। बस ये जो चीज़ है ना पीछे वाली, ये थोड़ा सा इसका जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल होता ना, और भी मज़ा आ जाता भाई। बाकी गजब अल्टीमेट चीज़ आपको जो देखने को मिलती है इसके अंदर, AC का आउटपुट हुंडई के अंदर कोई बात ही नहीं, इसके ऊपर तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। इधर से लेके चलते हैं एक बार, हम देखते हैं इसका। बढ़िया चीज़ ये है कि आप जो है ट्रैफिक के अंदर जो है आराम से बंद नहीं होगी गाड़ी बार बार, ये एक इसकी खास बात मुझे जो देखने को मिली। चलो इसी के साथ ही हम चलते हैं, नहीं तो क्या होता है जनरली गाड़ियां कई बार जैसे क्लच का जो ट्रेवल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे बंद हो जाता है। बाकी स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला, गेयर बहुत जल्दी मतलब आराम से जो है रिस्पॉन्स करते हैं, ईजिली जो आप शिफ्ट कर सकते हैं, एक अंगुली से भी जो है आप गेयर को वो टर्न आउट कर सकते हो, कोई वो नहीं है, चेंज कर दो आराम से, कहीं अटकते नहीं है, कोई और नहीं है गियर वगैरह। बाकी इंजन का रिफाइनमेंट बड़ा शानदार, पेपी सा इंजन लगा मुझे, इवन i20 से बेटर मुझे लग रहा है इसका इंजन, है सेम ही बट रिस्पांस जो है वो i20 से बेटर लगा, क्योंकि i20 थोड़ी सी बड़ी टाइप की गाड़ी होगी ना वैसे लिए, या फिर पता नहीं कैसे। बाकी इसके अंदर ये क्वालिटी वगैरह है ना, हार्ड प्लास्टिक दी हुई सारा, बट बढ़िया है, कोई वो नहीं, फिट एंड फिनिश सुन रही है, अच्छी रहती है। ये AC का क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, ये थोड़ा सा वायरलेस चार्जिंग दे देते ना तो और अच्छा लगता है, बट भाई बढ़िया ये भी जो चीज़ें हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है इसकी जो सीटें हैं उसको फैब्रिक इन्होंने दे दिया है, और लेदराइज जहाँ साइड में लेदराइज दे दिया, तो इससे सीट कवर भी चेंज करने की जरूरत नहीं मिलती है। एयरबैग वगैरह दो एयरबैग मिलते हैं इसके अंदर, एक ड्राइवर साइड और एक ये वाला जो है, दो एयरबैग आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यही था, बाकी तो इसके अंदर क्या ही रिव्यू दूँ मैं, अभी चला ही रहा था मैं, इतने ज़्यादा टेस्ट ड्राइव की नहीं, बट पुरानी वाली i10 है उससे इसके अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर सुधार है। जो सबसे पहले वाली है 2013 मॉडल जो है मेरे पास है, आपने उसका वो भी देखा होगा वीडियो वगैरह, तो ये कहानी है, अभी वो गाड़ी बंद हो गई थी इसलिए ये बढ़िया रहता है। ये वाली गाड़ी है जो मुझे इसका जो इंजन रिस्पॉन्स, अभी देखिए आपको दिखाता हूँ मैं टर्निंग रेडियस क्या कहते हैं रिस्पॉन्स। एक बात है, शोर शराबा तो नहीं करती है बिल्कुल भी गाड़ी, देखो आप देखो जो टायर की आवाज़ है वो तो आनी है ही है जो है, बाकी ठीक है आराम से जो इसको ब्रेकिंग देखिए आप,
गजब की ब्रेकिंग है। तो ऐसे करके यही है ड्राइव रिव्यू छोटा सा मेरी तरफ से। बाकी इसको लेने का प्लान है हमारा, देखते हैं, इसीलिए टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। तो उसको देखते हैं कैसा रहता है, इसका फाइनल आउटपुट डिसाइड करते हैं। आपको अगर हुआ तो आपको ज़रूर अपडेट करके बताएंगे। चलिए एक राउंड लगा लेते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।